हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप भी फ्री फायर को हाइड करना चाहते हैं डायलर पैड में, तो किस तरीके से डायलर पैड में हाइड कर सकते हो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो गाइस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स दोनों ही हाइड करके रखे है। यहाँ पर आपको कोई भी फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है हाइड कर दिया है। तो इस तरीके से आप भी किस तरीके से हाइड कर सकते हो डायलर पैड में, तो गाइस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी नहीं है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपको निकाल कर दिखा देता हूँ डायलर पैड में किस तरीके से हाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं डायलर पैड ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर मेरा जो सिक्योरिटी कोड है वो यहाँ पर डालता हूँ। डालने के बाद यहाँ पर मैं हैश डालता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो दो मैंने जो है ऐप से वो हाइड करके रखा है। एक तो हमारा है फ्री फायर, दूसरा है फ्री फायर मैक्स। तो इस तरीके से आप किस तरीके से हाइड कर सकते हैं वो आज के स्टूडियो में आपको बताऊंगा। तो क्या इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। मतलब बहुत सारे बंदे लोग जो है हाइड करना चाहते हैं अपने फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स को, मतलब हाइड करना चाहते हैं, गेम को हाइड करना चाहते हैं किसी ना किसी वजह से। तो कैसे करना है वो आपको सारा कुछ बताऊंगा। दोस्तों आप फ्री फायर ही नहीं, दूसरी कोई एप्लीकेशन भी हाइड कर सकते हैं, जैसे कि स्नैपचैट है, व्हाट्सअप है, दूसरा कोई भी अदर ऐप्स है, इंस्टाग्राम है, कोई भी एप्लीकेशन हाइड कर सकते हैं डायलर पैड में। ओके, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को कर लीजिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरा आने वाले वीडियो है ना वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स दोनों अनहाइड कर दिए। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्री फायर एंड फ्री फायर देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। अब मैं इसको हाइड करने वाला हूँ। तो हाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना सेटिंग है वो ओपन कर लेना। हाँ दोस्तों, मैं सेटिंग में ही बताऊंगा सेटिंग किस तरह से करना है, कोई अदर एप्लीकेशन डाउनलोड करके नहीं बताऊंगा। मतलब आपके सेटिंग में ही सेटिंग है, ओके आपको चेक कर लेना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना मोबाइल का सेटिंग ओपन करना है। मैं हाइड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सेटिंग ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन ढूंढना है, यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा प्राइवेसी का। ओके दोस्तों, प्राइवेसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है, क्लिक करना है प्राइवेसी। ओके, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके, दोनों मतलब अलग अलग प्रकार का सेटिंग होता है अलग अलग मोबाइल में। ओके, तो आपको चेक कर लेना। ओके, तो यहाँ पर मैं प्राइवेसी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्राइवेसी वाला ऑप्शन मिल जाता है साइड में, यहाँ पर देखते हो तो एक तो परमिशन वाला है, एक तो प्राइवेसी है। तो मैं प्राइवेसी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला तो है ऐप लॉक, दूसरा है हाइड ऐप एंड तीसरा है प्राइवेट सेव। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो हाइड ऐप्स है ना इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा जो सिक्योरिटी कोड है, मतलब प्राइवेसी कोड है, वो यहाँ पर डाल देता हूँ। ओके, डालने के बाद यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी ऐप्स को आप हाइड करना चाहते हैं ना उस ऐप्स को आपको सेलेक्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउज़र को हाइड करना चाहता हूँ, तो क्रोम ब्राउज़र को इस तरीके से इनेबल कर दूंगा, ताकि क्रोम ब्राउज़र है वो डायलर पैड में हाइड हो जाएगा। ओके, तो मैं इनको नहीं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स। तो यहाँ पर मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया, दोनों को ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद जो है डायलर पैड में जो है, मतलब हमारा जो फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स हाइड हो चुका है। ओके, अब बात करते हैं कि हम जो है सिक्योरिटी कोड किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए ऊपर आपको सेटिंग्स का आइकन मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा चेंज एक्सेस कोड। ओके, तो यहाँ पर इसके ऊपर आपको क्लिक करना है कोड चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो भी कोड मतलब कोड रखना चाहते हो, प्राइवेसी कोड मतलब सिक्योरिटी कोड रखना चाहते हो, वो यहाँ पर आपको कोड है वो डायल कर देना है। किस तरीके से डायल करना है वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको हैश डालना है, इसके बाद आप जो भी कोड रखना चाहते हैं वो कोड डालना है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 20, इसके बाद दूसरी बार 20, इसके बाद तीसरी बार 20, इसके बाद फिर से मेरे को हैश डालना है। ओके, हैश डालने के बाद कोड है वो लग चुका है। इस तरीके से आपको डालना है, जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो इस तरीके से रखना है। ओके, तो इस तरीके से मैंने कोड रख दिया। ओके, इसके बाद यहाँ पर मैं टिक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं डन के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जो हमारा फ्री फायर मैक्स एंड फ्री फायर हाइड हो चुका है। इस तरीके से आप हाइड कर सकते हो। कि अब आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि डायलर पैड में, मतलब डायलर पैड में हाइड हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, बैग आ जाता हूँ। बैग आ जाने के बाद मैं फिर से यहाँ पर डायलर पैड ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं वही सिक्योरिटी कोड डाल देता हूँ जो अभी मैंने सेट किया था वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं डाल देता हूँ 20 20, इसके बाद मैं फिर से 20 डालता हूँ, इसके बाद मैं फिर से हैश डालता हूँ। ओके,
जैसे ही मैं डालूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स हाइड किया था वो आ चुका है। तो इस तरीके से जो आप फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप डायलर पेड में जो है फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स हाइड कर सकते हैं, इस तरीके से आप छुपा सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को भी प्रेस कर देना ताकि मेरा आने वाली वीडियो है ना वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तो गाइस बाय बाय।